तो लंच में है इडली सांबर और साथ में नारियल की चटनी। रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग। हेलो बोलू। चले गए ना थोड़ा सा, मतलब पता नहीं क्यों मेरा मन अजीब सा हो जाता है। थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू मामा जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम और व्यस्त होंगे जैसे मैं रहती हूँ हमेशा। तो व्यस्त रहने से ना फायदा ये होता है कि फालतू की चीजें, फालतू की बातों में ध्यान नहीं जाता है और हम अपने काम को बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे वे में करते हैं। और यहाँ पे उठते ही मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि आज कोई हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। तो आगे ब्लॉग में अभी आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आने वाले। तो ये कपड़े जो है ये मैंने ना रात को धोए थे क्योंकि जो है मैंने बताया था ना कि जब कपड़े ज्यादा हो जाते हैं तब मशीन लगाती हूँ और तब मैं कोशिश करती हूँ कि रात को आते ही पानी में धो दो कपड़े तो साफ हो जाते हैं। और अभी मैं छत में डालने जा रही थी तो उसके साथ साथ मैंने घर के सारे काम कर दिए थे और साथ के साथ दिन का लंच भी तैयार करने लगी थी। और ये बन रही है नारियल की चटनी, तिल की चटनी है 300। ये इडली रख दी मैंने बनने के लिए और यहाँ सांभर बन के रेडी हो गया है। तो आज सुबह से तैयारी चल रही थी। मिक्सी का जार खराब हो गया हमारा। मिक्सी का ना जार ढेर सही लगी हुई है। हाँ, तो नारियल की चटनी है पीस थी और नारियल की चटनी में ना नारियल था कच्चा, हरी मिर्च है, अदरक है और इसमें ना मैंने चना दाल डाली थी थोड़ी सी, 2 चम्मच चना दाल थे, छोटे वाले चम्मच जो है। तो उसको ना पहले फ्राई कर दिया था और थोड़ी देर भिगो के फिर उसके साथ ही नारियल के साथ पीस दिया। अब इसमें लगेगा छौंका। बन गई है नारियल की चटनी, तैयार हो गई, ढक दो इसको। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सांभर बना के कर दिया है रेडी। सांभर रेडी है, बस एक मटर पनीर बनाऊंगी और यहाँ पे जो है मैंने नारियल की चटनी बना के रख दी है। तो लगभग लगभग जो है मेरे सारे काम ये हो गए हैं, बस अब वो लोग आएंगे। और यहाँ पे जो है कपड़े भी मैंने धो दिए थे तो मेरे सारे काम हो गए हैं। और अब पहले इन कपड़ों को छत में डाल दूँ। तो आजकल तो कपड़े मैं ना हाथ से ही धो देती हूँ। टिम्मी गन मास्टर। इसको गन का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। बना रही हूँ मटर पनीर, तो पनीर ला के रख दिया है। ये है पनीर और यहाँ पे ना मेरे जो फ्रोजन मटर थे ना जो मैंने फ्रीज करके रखे थे सर्दियों में, तो देखो वो काम आ रहे हैं। अब इनमें पानी डाल दो पहले, थोड़ी देर ना इनकी बर्फ जो नॉर्मल टेम्परेचर में सेट हो जाएंगे यहाँ पे। और अब बना रही हूँ मटर पनीर। तो मैंने ना पनीर को थोड़ा फ्राई कर दिया तो थोड़ा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। एक दो विसल निकालूंगी, बस बन गया है। सांभर तो पहले ही बना हुआ है, सांभर तो बन के रेडी है। और जो चटनी थी ना नारियल की वो मैंने फ्रिज में रख दी, चटनी ना ठंडी ठंडी अच्छी लगती है तो जब तक वो लोग आते हैं तो तब तक थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो आ गए हैं हमारे मेहमान और ये है मेरी भाभी और ये मेरा छोटा भाई है। तो ये लोग काफी दिनों से इनका, और ये मेरा प्यारा सा छोटा भतीजा, और इनका ना काफी दिनों से प्लान बन रहा था मिलने आने का। सर्दियों से प्लानिंग हो रही थी बट ऐसी कुछ ना कुछ, कभी उन्हें काम पड़ जा रहा था, कभी हमें काम पड़ जा रहा था। तो फाइनली आज ये लोग मुझसे मिलने आए थे और बस फिर यहाँ पे बैठ के जरा हम गपशप कर रहे हैं क्योंकि जब कोई आ जाता है तो फिर गप्पे ही खत्म नहीं होती है। टाइम कम पड़ जाता है, दिन कम हो जाता है, लेकिन गप्पे जो है तो ये बातें बहुत सारी होती हैं जो करनी होती हैं। नया टीवी लग रहा है हमारे लिए। पुरानी टीवी कहाँ है? उतार दी बाहर। ये हमारी पुरानी टीवी चेंज कर दी है। और ये ना मेरा छोटा भाई है और आज ये हमारे लिए लेकर आया था टीवी, तो बस उसी को ये ना यहाँ पे लगाने लग गया था। और अभी हमने ना दिन का अभी लंच नहीं किया है तो वही चाय वगैरह पी ली थी, तो फिर उसके बाद एकदम से भूख तो नहीं लगती है तो थोड़ी देर ऐसी फिर ये टीवी लगाने लग गया था। और तब तक प्रियंका जो है छोटे को खाना खिलाने लग गई क्योंकि बच्चों को तो भूख लग जाती है ना, तो छोटा हमारा बैठा हुआ और हम सब यहाँ पे बस फिर वही है, गपशप चल रही है। और अच्छा लगता है इस तरीके से जब घर में मिलने आते हैं ना।
और उसके बाद जो है फटाफट से हमने लंच किया। तो लंच में आज इडली बनाई थी। इडली ना अचानक ही प्लान बना था मेरा, बट ऐसा कोई वो नहीं था कि बनानी है, और बस फिर फटाफट से लंच वगैरह किया। उसके बाद किचन के जो मेन काम होते हैं, बर्तन वर्तन सब धुल गए थे। उसके बाद बच्चे बैठ गए थे रूम में, तो बच्चे तो जब मिल जाते हैं तो फुल मस्ती करते हैं, और यहाँ पे हमारा छोटा आयुष खूब मस्ती कर रहा है, और टिम्मी शान के साथ तो वैसे भी उसकी बहुत पड़ती है कि तीनों एक ही कैटेगरी के हैं ना, खूब मस्ती चलती तीनों में बच्चों में, और बस यहाँ पे अच्छा लग रहा था, खूब उछल कूद ही मचा रहे थे। और ये देखो प्रियंका लाई है मेरे लिए, ये मैं कुछ नहीं लाई, बड़ा गिफ्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग करेंगे रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग, देख सकते हो रिंग लाइट। और ये देखो ये छोटू, हेलो बोलू। तो हमारा आयुष जा रहा बाय बाय कर भाई पूजा। मैं तो उसकी पूजा हूँ। तो बस यहाँ पे चले गए थे भैया भाभी मिलके, और अब रात भी हो गई थी, तो यहाँ पे आयुष जो है वो बाय कर रहा है हमको, और बस अच्छा लगता है इस तरीके से मिलना। और जब ये लोग आते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं ना तो थोड़ा सा ना मेरा मन उदास हो जाता है, पता नहीं क्यों। शायद मायका मतलब याद ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं ना तो बिजी रहती हूँ, इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब सामने आए मिलते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है। तो टीवी मिल गई है गिफ्ट में, वैसे हमें अब टीवी की आदत छूट भी गई थी, क्योंकि हमारी टीवी खराब हुए 3 साल हो गए थे, 3 साल हमें आदत भी छूट गई थी टीवी की, लेकिन अब फिर आदत बन जाएगी। तो ये प्रियंका ने दी है मुझे रिंग लाइट, और दिन में वो लोग आए थे ना तो मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब कोई आ जाता ना तो फिर बस बातें होती है और फिर इतने दिनों बाद मिलते हैं ना तो चले गए ना, थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों मेरा मन अजीब सा हो जाता है। हम ना जब मैं यहाँ रहती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ मतलब हर चीज़ को ना, माइक को, लेकिन जैसे हम लोगों को देखते हैं तो फिर सारी चीज़ें जो हैं याद आती हैं। और बस कभी कभी इस तरीके से ना मिलते रहना चाहिए भाई बहनों से, क्योंकि इससे माँ बाप की जो यादें होती ना वो भी ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि ना भाई बहनों की शक्लों में माँ बाप की शक्लें छिपी होती हैं, और जो मेरा भाई है ना मेरे पापा के जैसे दिखता है मुझे बिल्कुल, तो एक झलक देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से पापा की झलक सामने आ जाती है। हो गया मौन। ऑन हो गया? हाँ वो देखो। थैंक यू मामा जी, थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू मामा जी। और अब मैं तो बैठे मुश्किल ये है कि पुरानी टीवी का को कहां फेंका जाए। पापा जी वही सोच में पड़े हैं कि मुश्किल पुरानी टीवी को कहां फेंका जाए। वाईफाई तो कनेक्ट कर लो। तो फाइनली यहाँ पे टीवी लगा भी दी थी और स्टार्ट भी कर दी, उसके बाद हमने एक मूवी भी देखी थी, तो बस अच्छा लगा आके मिले। तो चलिए बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।